उधर एमकेएम ने कहा है कि मरदमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तारीख गवाह है, कराची वालों को हमेशा कम गिना गया, हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं, एक एक फर्द को गिनना रियासत की जिम्मेदारी है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल बोले कि 3 माह से एमकेएम के पास मरदमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं, खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है और इस दफा भी इस बात का खदशा है, इसीलिए हमने मजबूर होकर मरदमशुमारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जो हमारे अंदेशे थे, खदशात थे, इस दफा फिर एक बार दुरुस्त साबित हो। एमक्यूएम के पास कोई और एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसस के ऊपर सारी जो है वो मसरूफियात और सारी चीजें हैं। 3 महीनों से अपने आप को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।